राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कितनी बढ़त के साथ आगे हैं 25 लोकसभा सीटों के रुझान। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनालाल रावत आगे हैं, 1,63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के तारासन मीणा पीछे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बुज तीसरे स्थान पर हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के हरीश चंद मीणा आगे हैं, 40,270 वोटों से आगे चल रहे हैं, भाजपा के सुखबीर सिंह पीछे हैं। सीकर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन से अमरा राम चौधरी 48,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के चुमेदानंद पीछे हैं। राजसमंद लोकसभा सीट जहां से बीजेपी की महिमा कुमारी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर दामोदर गुजर पीछे चल रहे हैं, 2,70,000 वोटों से महिमा कुमारी आगे हैं। पाली लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं, 1,24,000 वोटों से पीपी चौधरी आगे हैं, जबकि कांग्रेस के चंगिता बेनीवाल पीछे हैं। नागौर लोकसभा सीट जहां से आरएलपी इंडिया गठबंधन हनुमान बेनीवाल 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की ज्योति बिरदा पीछे हैं। कोटा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के भजन लाल जाटव आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की इंदु देवी पीछे चल रही हैं। कांग्रेस के भजन लाल जाटव 87,000 वोटों से आगे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के करण सिंह पीछे हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के बिरजेंद्र सिंह गोला 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के शुभकरण चौधरी 10,000 वोटों से पीछे हैं। झालावाड़ बारा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की उर्मिला जैन पीछे चल रही हैं। दुष्यंत सिंह 1,97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जालौर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वैभव गहलोत 1,22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगली है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। भाजपा के राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अनिल चोपड़ा 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जयपुर लोकसभा सीट जहां से मंजू शर्मा बीजेपी से आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के प्रताप सिंह 2,73,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गंगानगर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की प्रियंका बालान 37,000 वोटों से पीछे चल रही है। दौसा लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा 1,45,000 वोटों से पीछे हैं। चूरू लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के राहुल कंचवा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के देवेंद्र जाजरिया 35,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उदयलाल आंजना 1,75,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीकानेर लोकसभा सीट जहां से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल 33,300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सीपी जोशी 2,34,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भरतपुर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस की संजना जाटव आगे चल रही है, जबकि बीजेपी के रामस्वरूप कोहली 44,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल आगे चल रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगली है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट जहां से भारत आदिवासी पार्टी इंडिया गठबंधन से राजकुमार रोत आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवी 1,20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ललित यादव 53,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगली है अजमेर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी 2,56,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जो उम्मीदवार 1,00,000 से अधिक लीड लेकर आगे हैं, उनकी जीत लगभग निश्चित है।